Hi everyone. So first of all, please confirm is my voice audible, guys? First of all, please confirm is my voice audible? And do share the link of the session, guys. ये ना restarting पे चला गया था actual में, तो इसलिए थोड़ा issue हो गया, ठीक है? ये restarting पे चला गया था, तो अपने को इसलिए थोड़ा issue हो गया, ठीक है? चलिए, so let's start the session, guys. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई थिंक आप लोगों को मेरी वॉइस तो क्लियर होगी, ठीक है? वॉइस क्लियर है ना? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए यार. हाय हाय एवरीवन. कैसे हो सब लोग? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से ज्वाइन करो. हाय शिवम, हाय ममता, हाय. फर्स्ट ज्वाइन द सेशन गाइस. सीमैट का नोटिफिकेशन आ गया यार, आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है? एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था. आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा अपना, ठीक है? हम लोग 6 मार्च तक फॉर्म भर चुके हैं, भर सकते हैं, ठीक है? 6 मार्च तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? पता है ना आप लोगों को बात? हाँ, चलिए यार, एक बार लिंक शेयर कर देना सभी लोग, ठीक है? हाय 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 हाय. हाँ, लाइव क्लासेज होंगे, ठीक है? लाइव क्लासेज होंगे, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, सीमैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है? आप लोगों ने, मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? और सीमैट के फॉर्म को भर भी देना, दोज हू आर टारगेटिंग सीमैट, जिनको इसी साल किसी ना किसी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है? दूसरी चीज, टिस का एग्जाम हमारा आई गया है, बिल्कुल. टिस की टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है. अगर आप लोगों ने अब तक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो अभी भी हमारे पास 3-4 दिन का टाइम है. 26 को है एग्जाम हमारा, 26 को हमारा एग्जाम है ना, 26 फ़रवरी में. तो आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं. अभी आपके पास 4-5 दिन है, डेली भी एक टेस्ट लगाओगे तो आप लोगों का थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है? उन क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लो, ठीक है? हाँ, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लो तो आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, ठीक है? सौरभ साहू, सौरभ साहू, मैं रहूंगा, ठीक है? मैं रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है? हाँ, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यार डेली एक टेस्ट लगाते रहो ताकि थोड़ा सा ना मोमेंटम आप लोगों का बन जाए. और टिस की ना कुछ वीडियोस रहती थी, मतलब मैंने टिस 2022 का पेपर तो अपलोड कर दिया था पूरा, क्वांट और एलआर का. मैं 2021 के भी आई थिंक 10 क्वेश्चंस कर चुका था, तो जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस और बचते थे, मैं वो 20 क्वेश्चंस भी आपको अगले 2-3 दिन में वीडियोस डाल दूंगा बना के, वो 5-5 क्वेश्चंस वाली जो हम लोगों ने पहले डाली थी. हमें आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ठीक है? सो दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं फिर, ठीक है? तो DI में क्या होता है, हम लोगों ने डाटा गिवन रहता है, ठीक है? उस डाटा के बेसिस पे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी-कभी 5 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है? किस तरह का डाटा एग्जाम में आया हुआ है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, ठीक है? सर लाइव क्लास के बाद वीडियो अपलोड नहीं होगी क्या? होगी यार, होगी. लाइव क्लास के बाद वीडियो अपलोड होगी, ठीक है? हाँ, होगी, डोंट वरी, ठीक है? हाँ. तो जैसे ये हमारे पास एक डाटा आ रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ठीक है? फिर मतलब मैं पहले आपको एक समझा देता हूं किस तरह क्वेश्चन DI में आ जाते हैं, ठीक है? लाइटिंग का थोड़ा इशू है, मैं और भी लाइट जला देता हूं, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? जैसे ये हमारे पास एक डाटा है, इसमें इसने दे दिया नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन 4 स्कूल्स. 4 स्कूल्स में फीमेल और मेल का जो नंबर्स है वो कितने हैं, ये यहाँ पर डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स आएगा वैसे हमारे पास ये, ठीक है? हाँ, नंबर ऑफ टीचर्स आएगा क्योंकि यहाँ पे टीचर्स की बात की गई है ना. तो जैसे स्कूल P है, ब्लू कलर किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है. तो स्कूल P में ब्लू कलर मेल को डिनोट करता है, तो मेल 40 है, फीमेल 80 है. तो इस तरह से हमें डाटा दिया जाता है, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इस तरह का डाटा हम लोगों को दिया जाता है. तो व्हाट आई सजेस्ट यू, डू रीड दिस डाटा एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार, ठीक है? चलो, बहुत बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने लिया है. इसमें ऐसा नहीं कोई कुछ, हाँ कुछ वो हो रहा है, ठीक है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, देखो जरा. एक्चुअल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और कौन से एग्जाम में आ रखा है, महाराष्ट्र सीटी या सीमेटिटिस, इनमें से किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देख लेते जरा एक बार इस क्वेश्चन का बोलता है, एनालाइज द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ टीचर्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स लिखा हुआ था ना इसने, तो ये थोड़ा गलत था, यहाँ पे टीचर्स आना चाहिए था। ठीक है, ये चार तरह के स्कूल्स हैं, POHI, मेल ब्लू कलर को डिनोट करता है, फीमेल रेड को। ठीक है, मतलब ब्लू कलर मेल को डिनोट करता है और रेड कलर फीमेल को डिनोट करता है। ठीक है, सो देखते हैं जरा इसमें क्या होने वाला है अब जरा। ठीक है, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर मेल एंड फीमेल टीचर इन द गिवन स्कूल्स। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर्ड मेल एंड फीमेल टीचर्स इन द गिवन स्कूल। मेल और फीमेल के एवरेज का डिफरेंस बताना है। चारों स्कूल्स में कभी भी एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब पता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज का डिफरेंस बताना है, एवरेज का डिफरेंस। ठीक है, तो पी स्कूल में मेल कितना, देखो 40 है। ठीक है, यहां पर कितने मेल है, 30 है, 40 30 70 40 110 और 70 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो टोटल मेल कितना है, 180 चारों स्कूल्स में। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, 4, तो 180 बाय 4 कितना आ जाएगा, 45। तो 45 मेल्स का एवरेज आ गया। फीमेल्स का एवरेज देखो यहां पर 80 है और यहां पर 60 है, 140 70 210 और 30 कितना आ जाएगा, 210 और 30 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 बाय 4, क्योंकि 4 स्कूल्स है हमारे पास, 240 बाय 4 कितना आ जाएगा, 60। सो ये हमारे पास मेल्स का एवरेज है, मेल्स टीचर्स का एवरेज चारों स्कूल्स में, ये फीमेल टीचर्स का एवरेज है चारों स्कूल्स में। तो इनका डिफरेंस मुझसे पूछा गया था, डिफरेंस कितना आने लग रहा है बच्चे, 15 आने लग रहा है। 15 हमारे पास ऑप्शन ई में है। 15 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ई में है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ सबसे पहले, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को एक बताया करके, ठीक है, मतलब एग्जाम में हो सकता है तो मैं ऐसे ना करता इसको। ठीक है, हो सकता था एग्जाम में मैं इसको ऐसे ना करता। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अगर एग्जाम में मेरे पास से क्वेश्चन आए और मैं इसको ऐसे ना करूं। सर अगर एग्जाम में आपके पास से क्वेश्चन ऐसे आएगा, आप कैसे करोगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बनता है ना तुम्हारा कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप कैसे करते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैसे करता इसको। देखो जरा ध्यान से। ठीक है बच्चे, मुझे ग्राफ से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो ये चीजें जो मैं बताता हूं ना, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी कर लेगा जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो मैं दूसरी चीजें बताता हूं ना, इन पे थोड़ा फोकस किया करो। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये बड़े काम की चीज आएंगे आपके। ठीक है, कि क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, एक तो तरीका ये हो गया, ये किताब में भी गिवन होता है सॉल्यूशन इसका, बुक्स में सॉल्यूशन ऐसे गिवन होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, उस चीज पे हमारा बहुत ही ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, ये तो होगा ही, इसके अलावा और क्या हो सकता है। मैं जब इस ग्राफ को एनालाइज कर रहा था ना, तो मुझे दिखाई दिया 3 स्कूल्स ऐसे हैं POH जिनमें फीमेल्स क्या है, ज्यादा है, जिसमें फीमेल्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मैंने मेल्स का टोटल सम निकाला, उसको डिवाइड बाय 4 किया, फीमेल्स को भी सम निकाला, डिवाइड बाय 4 किया। डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब यहां पर देखो आप लोग, आप ये देखो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। मेल 40 है, फीमेल 80 है, कितना डिफरेंस आया, +40 का, फीमेल ज्यादा है। यहां पर कितना डिफरेंस आया, +30 का आया ना डिफरेंस। यहां पर कितना डिफरेंस आया, +30 का, क्योंकि हमारे पास फीमेल ज्यादा है। यहां पर डिफरेंस कितना आया, यहां पर मेल ज्यादा है फीमेल कम है, यहां पर मेल ज्यादा है फीमेल कम है। देख पा रहे हो आप लोग ये चीज। ठीक है, ये चीज देख पा रहे हो आप लोग। यहां पर 30 का डिफरेंस था और यहां पर भी 30 का डिफरेंस है ना, 30 का डिफरेंस है ना, यस। ठीक है, यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है अपने पास, मेल हमारे पास 70 है, फीमेल हमारे पास 30 है, तो हमारे पास फीमेल कम हो गई। कितना कम हो गई, 40 से। यहां पर डिफरेंस कितने का है, -40 का। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, हमारे पास पी स्कूल में मेल कितने थे, 80, फीमेल कितनी थी, मेल कितने थे 40, फीमेल कितनी थी 80। तो यहां पर कितना डिफरेंस आया, दोनों में +40 का आया। यहां पर फीमेल ज्यादा है। एनालाइज करके इतना तो दिखाई दे रहा है ना कि जो रेड वाला ग्राफ वो ऊपर जा रहा है, इतना तो क्लियर है ना कि रेड वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितना ऊपर आ जा रहा है +40, यहां पर कितना ऊपर जा रहा है +30, यहां पर कितना ऊपर जा रहा है +30, यहां पर रेड वाला ग्राफ नीचे जा रहा है, कितना नीचे जाने लग रहा है -40 नीचे जाने लग रहा है। तो आप लोग देखो जरा इसको, ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, आप लोग कितना आ जाएगा 40, 30, 70, 30, 110 -40, 110 में से 40 हट, 110 में 100 में से 40 हटाओ कितना आएगा 60 आएगा, 100 बन रहा है ना ये 40, 30, 70, 30, 100, 100 में से 40 गया 60। अब हमें क्या निकालना था एवरेज, हमें क्या निकालना था एवरेज। एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 1, 2, 3, 4 4 स्कूल्स हैं, 60/4 कितना आएगा 15 आएगा। दिस इज द सेकंड अप्रोच, दिस इज द सेकंड अप्रोच, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने की सेकंड अप्रोच है, ये हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने की सेकंड अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच ये है कि हम लोग इंडिविजुअली निकाल लें, हम लोगों ने इंडिविजुअली निकाल लिया, ये हमारे पास पहली अप्रोच है, फिर हम लोगों ने इसको ऐसे निकाला, ये हमारे पास सेकंड अप्रोच है। बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब थोड़ा तबीयत ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआई ना मैथ्स का छोटा भाई है, मैथ्स होता है ना पूरा, आप देख लेना डीआई के क्वेश्चंस में एवरेजेस यूज होगा, रेशियो यूज होगा, परसेंटेजेस यूज होगा, और एक डीआई का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। कराएंगे कैट की लॉजिकल रीजनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा शांति रखो बस। कितने क्वेश्चन आते हैं डीआई के, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस 30 में से 6 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, 5-6 क्वेश्चन डीआई के आएंगे इसमें। चलो, approximately what is the average profit earned by company B over the given years? देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, एनालाइज द ग्राफ गिवन बिलो एंड इतना है, ठीक है, ये दे रखा है कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C दे रखा है हमें 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 6 साल की बातें की जा रही है, और एक ग्राफ दिया हुआ है। यहां पर एक वर्ड आया है प्रॉफिट, इट मींस यहां पर हमें प्रॉफिट निकालना है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को। कंपनी बी कौन सी है, रेड कलर वाली है, यहां पर कितना आ रहा है देखो, ये 80 है, ये 90 है, यानी कि जो ये एक डब्बा है ना, ये 20 की वैल्यू को डिनोट करता है, बीच में लाई कर रहा है तो यहां पर आएगा 90, ठीक है, ये 90 होगा ना, बीच में लाई कर रहा है ना, ये 100 और 120 के बीच में लाई कर रहा है तो 110 होगा, ये 120 है, ये 140 है, ये हमारे पास कितना जरा देखो, बिल्कुल बीच में लाई नहीं कर रहा है, ये बीच के भी बीच में लाई कर रहा है, तो 100 और 120 के बीच के भी बीच में, यानी कि 105 राउंड होगा ये, क्योंकि पूरा इतना है ना, आधे का भी आधा हो रहा है ये, ऐसे बिल्कुल मतलब बीच में नहीं है, इसका बीच तो यहां पर होगा, आधे का आधा, तो ये कहां पर है 120, 140 का बीच वैल्यू 130 होगा, 130 से ज्यादा यानी कि 135। इतना क्लियर है, मुझे इनका एवरेज निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, ठीक है। मैंने एवरेज निकालने का आपको तरीका बताया था, आप इनमें से किसी भी एक नंबर को एवरेज लेट कर लो, ठीक है, मुझे इनके बीच का एक नंबर आसपास ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, 110 ले लेते हैं, ये 110 ले लेते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज निकाल, देखिए मेरी वीडियोस यूट्यूब पे एवरेज की, एवरेज निकालने का शॉर्टकट बता रखा मैंने, वो वीडियोस देखी है आपने, ठीक है, समझ में आ रही है बात, एवरेज निकालने वाली वीडियोस देखी है। तो एक तरीका तो ये होगा, बच्चे इसको ऐड करेंगे, आप लोग ऐड भी इजीली कर सकते हो, 90 और 110, 200, 200 और 120, 320, 320 और 140, 460, और ये हमारे पास बनने वाला है कितना 240, तो 460, ठीक है, हमारे पास कितना बना है 460 और 240, कितना बना हमारे पास ये 700 बना। हाउ मेनी इयर्स आर देयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 700 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, सो दिस इज नथिंग 116 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 116 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया गया है, तो 116 के क्लोजेस्ट कौन सा ऑप्शन है? 117। बाकी सब ऑप्शन नहीं सही है, ये सब गलत है। ऑप्शन डी इज द आंसर। अच्छा, मैंने बता दिया ये महाराष्ट्र सीटी में आया हुआ DI है। ये DI क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी में आया हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र सीटी में 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र सीटी में आया हुआ है। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलो, अगर यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैंने जस्ट आपको ये तो एक आइडिया दिया DI के क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक DI का डाटा देखेंगे, उस डाटा के बेसिस पर 5 क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, ठीक है। एक डाटा होगा, उस पे 5 क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, तो आप उस तरह से सॉल्व करना है इनको, ठीक है। चलिए जी, डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट है इसमें भाई, कौन है डिफिकल्ट वाला? अजीत मानसुख पाटिल। क्या डिफिकल्ट लग रहा है तुम्हें इसमें? बताओ, अजीत मानसुख पाटिल क्या डिफिकल्ट लग रहा है? चलिए जी, सो इसको देखो, डाटा को क्या कहता है ये। अरे लगाएंगे लगाएंगे, कैट की क्लासेस भी लगाएंगे। बिल्कुल लगेंगे, कैट के क्लासेस भी लगेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है, पता है तुम्हें? तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे रहती है। अरे कुछ भी एज्यूम कर लो भाई, कुछ भी एज्यूम कर लो। एवरेज एवरेज एज्यूम वाला मेथड तो मैंने तुम्हें बता रखा है, तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो फिर? एवरेज एज्यूम वाला मेथड बता नहीं रखा मैंने तुम लोगों को यार? इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं जरा मैं, कितना आ रहा है, एक मिनट। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। चलिए, इसका आंसर कितना है? बी आ रहा है, बी। यस, 271 CR इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? ऑप्शन बी आया। देखते हैं जरा क्या दे रखा है। टोटल सेल ऑफ 5 डिफरेंट मोटर बाइक्स कंपनीज फ्रॉम 11 to 15। टोटल सेल्स ऑफ 5 डिफरेंट मोटर बाइक्स कंपनीज फ्रॉम 11 to 15, ठीक है। 11 से 15 की कंपनी का हमें वो दे रखा है, टोटल सेल्स कितनी हुई है। 5 कंपनीज हमारे पास, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, ए बी सी डी ई। 2011 में इतना सेल, 12 में इतना, 13, 14, 15, ठीक है। चलो, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द टोटल सेल्स फ्रॉम 13 to 14 ऑफ द गिवन कंपनीज टुगेदर? एक साथ 13 से 14 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में, ठीक है। 2013 की सारी सेल्स ये रही, 2014 की सारी सेल्स ये रही, तो इंक्रीमेंट देखना है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है। आपको फोकस करना है सिर्फ इंक्रीमेंट पर। एक तरीका तो यह है कि आप इन सबको ऐड कर लो, एक तरीका यह है आप इनको इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हो। ये 703 से 728 हो गया, तो देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 25। ये 592 से 654 हो गया, 8 और 54 कितना इंक्रीमेंट आया? 62 का इंक्रीमेंट आया। 556 से 608 हो गया, कितना इंक्रीमेंट आया? 52 का इंक्रीमेंट आया। 498 से 565 हो गया, 65 और 267 का इंक्रीमेंट आया। 645 से 710 हो गया, 645 से 710 हो गया, कितना इंक्रीमेंट आया? यहाँ पर 55 और 10, 65 का इंक्रीमेंट यहाँ पर आया। समझ में आने लग रही है बात आप लोगों? ये इन सबको ऐड कर लो, 65, एक मिनट, इन सबको ऐड कर लो, कर लोगे ना? 65 और 67 कितना होता है? 132, 132 और 52, 184, 184 और 62 कितना हो जाएगा हमारे पास? 246 हो जाएगा। 246 और 25 कितना होता है? 271 होता है। ऑप्शन बी इज द आंसर। चेक करो जरा, यहां तक की बात आप लोग समझ में आ रही है? ठीक है। Is fine, guys. Now everything is fine. अरे यार, now all fine, guys. I think everything is fine now. Huh? सॉरी यार, सॉरी एक्चुअल में जो लैपटॉप है ना वो लैपटॉप हमारा डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है। हाँ, जिस लैपटॉप से कनेक्टेड रहता है ना ऑब्वियस चलता है जिसमें, वो डिस्कनेक्ट वो हो गया था हमारा, ठीक है। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, एक बार बच्चों को दोबारा बोल दो, ठीक है। नाउ फाइन। हाँ, एक बार बच्चों को दोबारा बुला लो यार। मेरे में क्यों नहीं सुनाई दे रहा? सही है ना अब तो? ठीक है, अब तो आई थिंक सब ठीक है। हाँ, अब सब ठीक होगा। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से बता रहा था, ठीक है। मैं आपके इस वाले क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से बता रहा था। मैंने कहा भाई देखो 2013 की सारी सेल्स को ऐड किया। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये देखना इंपोर्टेंट है क्वेश्चन को हमने कितने टाइम में सॉल्व किया, ठीक है। टिस्ट जैसे एग्जाम में, सीमेट जैसे एग्जाम में, महाराष्ट्र जीटी जैसे एग्जाम में ये चीज बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम कितना लिया, ठीक है। जब मैं यहां पर देख पा रहा हूं ना, जब मैं यहां पर देख पा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं 2013 की टोटल सेल्स को जब मैंने ऐड किया तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है? 4 आता है। वहीं जब मैंने 2014 की सारी सेल्स को ऐड किया तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है? 5 आ जाता है। अगर यूनिट प्लेस का कोई नंबर 4 से 5 हो जा रहा है तो डेफिनेटली इसमें 1 ऐड किया गया है, तो इंक्रीमेंट कितना होगा? एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 1 हो, जो कि सिर्फ ऑप्शन 2 में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, तीसरा सेकंड क्वेश्चन है। चलिए गाइस, इसको देखो जरा। अब सब ठीक होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो यार एक बार शेयर कर देना। चलो सेकंड वाले का आंसर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इनकी द सेल्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम कंपनी सी फ्रॉम 11 से 15, ठीक है। यस, 35.83% आ रहा है आंसर, देख लेते जरा, ठीक है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 35.83, ठीक है। देखते हैं अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द कंपनी सी। कंपनी सी पे फोकस करो सीधा सीधा, ठीक है। दिस इज द कंपनी सी पे फोकस करो। फ्रॉम 2011 to 15 को देखो जरा, ठीक है। 2011 में, अब पता क्या है, जब भी हमें सीधा बताना है ना 11 से 15 तो सीधा आप 11 और 15 वाली वैल्यू पे फोकस करो, बीच की किसी वैल्यू पे फोकस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कभी आप क्या करो भाई, एक एक करके निकालेंगे इंक्रीमेंट, फिर इनको ऐड करेंगे, ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। हमें बताया गया है 11 से 15 में कंपनी सी की सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। 2011 में कंपनी सी की सेल्स कितनी थी? 480। 2015 में कंपनी सी की सेल्स कितनी है? 652। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 480 से कितना इंक्रीमेंट हुआ? 652 हुआ। तो बताइए जरा कितना हो गया हमारे पास? ये कोई नंबर 480 से 652 हो गया तो देखो कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, 120 और 52, 172 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 172 का इंक्रीमेंट आ रहा है ऑन 480। To find the percentage we need to multiply by 100. This is our answer. 480 से कंपनी C की सेल 652 हो गई तो कितना इंक्रीमेंट आया इसमें? 172 का। कितने पे आया? 480 पे। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। भाई मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है ना, इसको सोल्व कर लो। देखो 0 से 0 उड़ा देना। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो दिस इज अराउंड 3.5 आएगा ना ये, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से कट तो नहीं रहा, ठीक है। मेरे हिसाब से कटेगा तो नहीं है क्योंकि 48 थ्री जा 144 होता है, 48 24 हमारे पास ये आएगा लगभग लगभग 49 टाइम 48 टाइम्स है ना। 48 थ्री जा कितना होता है 144 168 आएगा 3.5 टाइम्स। ठीक है 168 आएगा 3.5 टाइम्स। मैं इसको पूरा फील लेके नहीं करना चाह रहा। व्हाट आई रियली वांट दिस इज 172 × 10/48। ठीक है ये क्वेश्चन है हमारे पास। हो सकता है तुम इसको 4 से उड़ाओ, इसको भी 4 से उड़ाओ, ये काम आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मतलब इसको 4 से उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 × 4 16, 1 और 2 बचा 12, 4 × 3 4 से इसको उड़ाओ तो यहां पर 12 आ जाएगा। ठीक है फिर तुम इसको उड़ाओगे यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा। ये सब काम आप कर सकते हो। अगर ये 42 होता तो सीधा 7 टाइम्स 7 × 5 35 अराउंड हमारा आंसर आएगा। ठीक है ऑप्शन 1 में था ये। मतलब ये मेरा मानना ये है कि इसको ना अप्रोक्सीमेशन से करो। हमें बिल्कुल फील नहीं लेना कि यार 172 × 10 बना 1720 और मैं उसको 48 से करने लगा डिवाइड। ठीक है ये तो नॉर्मल बच्चा भी करेगा ना, क्लास 6 का स्टूडेंट भी जानता है। थोड़ा स्पीड फास्ट करनी है अपने को यहां पर। ठीक है ऑप्शंस का यूज करो, बिल्कुल करो। ठीक है ये देखना भाई जरा ये वाला क्वेश्चन, इसको देखो जल्दी से। थर्ड का आंसर कितना आ रहा है 634.67 इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ द कंपनी ACE टुगेदर इन 13 ये रहा ACE की एवरेज सेल। ठीक है A C और E कि एवरेज सेल कितनी होगी, इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है इन तीनों को ऐड करो। देखो मेरा सिंपल सा पॉइंट क्या है, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे 3 और 6 9 और 5 कितना होता है 14 होता है आएगा, ये आएगा ना। कल मैं दूसरा ले लेता हूं। ठीक है हाँ देखो ACE है ना, यस ACE 2013 में ACE 6 और 3 9 और 5 14 का 1 6 और 4 10 1 बचा 8 5 13 13 6 19 1904 कितनी कंपनीज हैं 3 कंपनीज हैं। अगर ऊपर 1800 होता तो 600 आता, ऊपर 1800 होता तो 600 आता। ठीक है 1800 से ज्यादा है तो हमारा आंसर 600 से ज्यादा आएगा। बाहर अगर ऊपर 2100 होता, 2100 को 3 से डिवाइड करता तब 700 आता, 700 से कम आना चाहिए हमारा आंसर, ये भी बाहर। 634.67 नो नीड टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ठीक है ठीक है क्लियर है बात, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। चलो इसको देखो जरा, हाय अभी अरे एलओडी वेलओडी अगर लेवल बढ़ाना है अपना, कैट की तैयारी करो फिर सीमेट की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई। लोग तुम्हें कैट के क्वेश्चंस करा के बोलेंगे सीमेट में आ सकते हैं, बट आएंगे ही नहीं वो, सिंपल सा लॉजिक है ना। गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले बच्चों की इतनी डिमांड आ रही है, इतनी डिमांड आ रही है भाई कि सर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की भी तैयारी करा दो, एसएससी की तैयारी करा दो, बैंकिंग की तैयारी करा दो। इतना डिमांड है बच्चों का, क्या ही बताएं यार। करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता। ठीक है सर, विल यू बी एडिंग दिस लाइव सेशन इन द टारगेट बैच प्लेलिस्ट? हाँ जी हाँ, ये मैं कोई वो नहीं कर रहा कि ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सारे रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। ठीक है, कोशिश क्या करो लाइव आने की, एक रूटीन बन जाता है। लाइव बच्चा देख नहीं पाता, रूटीन बनता है इन चीजों से। तो तुम्हें रूटीन बनाना है तो चलो। What is the approximate percentage increase in the sales of the company A B C together from 12 से 14? ठीक है 12 से 14 approximate increase बताना है। ठीक है 2012 A B C 2012 में इतना है, 14 में कितना है, 14 ये 2014 में इतना है A B C का। इनको ऐड करना भाई, कितना आ रहा है ऐड होके? ठीक है जरा देखना यूनिट ऐड होके कितना है जल्दी से बताओ जरा। 5 और 1 6 एंड 7 4 11 और 2 13 का 1 आया, 7 और 5 12 और 5 7 और 5 12 5 17 तो 36 आ रहा है। इधर देखना 8 4 12 12 20 आ रहा है, 2 4 5 2 और 2 4 और 5 9 7 और 6 13 और 6 19। चलो 1736 से 1736 थी सेल्स 2012 में। 2012 में सेल्स कितनी थी? 1736 थी। 2012 में सेल्स कितनी थी? 1736 थी। 2014 में सेल्स कितनी हो गई? 1990 हो गई। कितना इंक्रीमेंट आता दिखाई दे रहा है तुम्हें इसमें, जल्दी से बताओ। तुम्हें कितना इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है इसमें, जल्दी से बताओ जरा। ठीक है 36 64 और 190 254 का इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? जैसे इंक्रीमेंट ऑफ 254 का इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है तुम लोगों को इसमें। सो 254 का इंक्रीमेंट हुआ, 254 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे? 1736 पे। ठीक है 254 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे? 1736 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। इसको सॉल्व कर लेना। बट मैं अगर एग्जाम में होता तो आई थिंक मैं इसको ऐसे ना कर रहा होता। मैं अगर एग्जाम में होता तो शायद मैं इसको ऐसे सॉल्व ना करूंगा कभी भी। मैं तो इसमें लॉजिक लगाऊंगा अपने। ठीक है देखो, जैसे कोई भी नंबर है 1736 है, 1736 है। ठीक है ऊपर कितना लिखा हुआ था? 254 लिखा हुआ था। ठीक है ऊपर 254 लिखा हुआ था। अगर मैं 173 और 254 है ना वो, ठीक है 17 और 80 81 ये लिख सकता हूं ना मैं उसको, ये लिख सकता हूं ना। ठीक है ऊपर जो 254 लिखा हुआ है, 254 को मैं 173 प्लस 81 ब्रेक कर सकता हूं। 173 बाय 1736 10%, ये इसका जस्ट हाफ है। तो अवर आंसर इज नियर अराउंड 15%। हमारा जो आंसर होगा वो 15% से कम होगा, क्योंकि इसका जो हाफ होगा ना वो 86.5 होगा। ठीक है तो हमारा आंसर 15% से कम होगा। 15% से कम कौन से ऑप्शन में है? ये तो ऑप्शन बकवास है ना, ये ऑप्शन बकवास है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन ए, देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज ए। ठीक है बात समझ में आ गई? तो अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों को। ठीक है हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना ना यार। ठीक है इसको देखना जरा, इसको देखो। चलिए देखो जरा, ड्यूरिंग विच ऑफ द गिवन ईयर्स वॉज द इंक्रीज इन द सेल्स द हाइएस्ट विद रेस्पेक्ट टू डेट इन द प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में सेल्स कौन से ईयर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुई है? ठीक है हमें देखना है। ठीक है मुझे याद है मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला था, किसी ना किसी क्वेश्चन में निकाला था। मैंने मुझे ऐसा याद आ रहा है किसी ना किसी क्वेश्चन मैंने किया था ये काम, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था। इंक्रीमेंट निकाला था मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को 271 सीआर था 13 to 14 में, याद है ना। ये क्यों कैलकुलेट करना है, 2013 और 2014 में टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ था, 13 से 14 में 271 सीआर हुआ था। फ्रॉम 13 to 14 देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीमेंट ऑफ 271 सीआर, देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीमेंट ऑफ 271 सीआर। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी निकाला हुआ है उसको बार बार निकालने का फायदा नहीं है भाई, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो यहां पर कितना इंक्रीमेंट है, 271 सीआर का है, ठीक है, 271 सीआर का इंक्रीमेंट है यहां पर। अब अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली यहां पे देखता हूं, 728 से 54 हुआ है, ठीक है, 26 बढ़ा, यहां पे 26 बढ़ता है, यहां पर हमारे पास 44 बढ़ता है, 26 बढ़ा, 48 बढ़ा, 608 से 652 हो गया, कितना बढ़ रहा है लगभग हमारे पास 44 बढ़ रहा है, 565 से 591 हो गया, बहुत कम बढ़ रहा है, 7 ये हमारे पास, मतलब 270। इन सबको ऐड करूंगा ना, अगर मैं इन सबको अगर ऐड करूंगा, मतलब दिमाग को लगाओ, हर चीज ऐड करने वाली नहीं है, ऐड करके तो मैं भी दिखा दूंगा ना, खुद देखो। 271 सीआर का इंक्रीमेंट हुआ है 13 से लेके 14 में 271 सीआर का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इससे अगर ज्यादा कहीं मिल रहा है तो हमारा वो ऑप्शन है, इससे अगर कहीं कम हो रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर मैंने देखा देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 28 से 54 बना, तो 24 यहां पर कितना आया हमारे पास, 26 का इंक्रीमेंट यहां आया, 48 का इंक्रीमेंट यहां आया, ठीक है, 44 का आया हमारे पास यहां पर, हाँ यहां पर भी हमारे पास 44 का इंक्रीमेंट आया, 65 से 91 हो गया भैया, 26 का इंक्रीमेंट हमारे पास यहां आया, 42 का इंक्रीमेंट हमारे पास यहां आया। क्या इन सबको ऐड करके वैल्यू 271 से ज्यादा हो जाएगी, क्या नहीं होगी, तो 2015 एलिमिनेट हो गया, ठीक है, 2015 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब 12 से 13 देख लो, 610 से 703 बना, 33 का इंक्रीमेंट आया, 45 से 92 बना, लगभग 47 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 521 से 556 हुआ, 30-40 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 28 से 98, 70 का इंक्रीमेंट आ रहा है, यहां पर ही बहुत कम आ रहा है। इन सब के डिफरेंस को ऐड करने के बाद भी 271 को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये भी 13 भी ऑप्शन से बाहर आ गया। फिर बचा 12 में, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, यहां से इन दोनों का डिफरेंस देख लो, मतलब हर चीज ऐड नहीं करनी ना यार, आप सिर्फ और इधर, अच्छा यार यहां पर बहुत 16 का इंक्रीमेंट हुआ, 26 से 45 भाई 19 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 80 से 21 बन गया, 41 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 590 से 428 बन गया, 38 का इंक्रीमेंट हो रहा है, भाई बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है। बट यहां पर अगर मैं देख रहा था 703 से 728, 25 का इंक्रीमेंट, 592 से 654, भाई कितना इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास, 52 का इंक्रीमेंट, 556 से 608, 52 का इंक्रीमेंट, 498 से 565 हमारे पास, 67 का इंक्रीमेंट, 645 से 710 हमारे पास, 65 का इंक्रीमेंट, बहुत वैल्यूज का इंक्रीमेंट हो रहा था। यहां पर 28, 30, 25 छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं, यहां पर कितने बड़े बड़े नंबर्स थे। तो 2014 में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इन कंपेरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा था, 13, तो 13 के कंपेरिजन में 14 में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। दैट इज व्हाई 14 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दैट इज व्हाई 14 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बताओ जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलो अगर यहां तक की बात क्लियर है तो नेक्स्ट डीआई देखते हैं। पहले मैं इस डीआई को समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि यहां पर क्या दिया हुआ है। देखो पाई चार्ट में होता क्या है, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी पहले दे देता हूं आप लोगों को। पाई चार्ट होता है हमारे पास एक, ठीक है, पाई चार्ट में बेसिकली इस तरह से गोला बना होता है, ठीक है, और वो अलग अलग यहाँ सेंटर से बना देता है अलग अलग, ठीक है, ये बना दिया, इधर ये बना दिया, इधर ये बना दिया, उसने बोल दिया भाई ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 120 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, हाँ कितना हो गया 180, 90, ये हमारे पास फिर कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा, मतलब 90 ज्यादा हो जाएगा, इसको ले लेते हैं हम 70 ले लेते हैं, इसको 80, ठीक है, समझ में आई बात? 210 150 बनना था ना, इसको 150 बनना था, 150, एक मिनट, अगर ये 70 तो ये 80, ठीक है, चलो अब ठीक है। दो चीजें होती हैं पाई चार्ट में, या तो वैल्यू डिग्री में गिवन होगी, अगर वैल्यू डिग्री में है तो टोटल डिग्री पता होनी चाहिए, 360 डिग्री होती है, टोटल 360 होता है। अगर वैल्यू परसेंटेज में गिवन है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100% होता है, डिग्री में है तो 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई चार्ट में आपको पता होना चाहिए 100% इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होता है। अगर वैल्यू परसेंटेज में दी गई है तो वो 100% है, वैल्यू डिग्री में दी गई है तो वो 360 डिग्री है। दैट्स इट। अब क्वेश्चन को देखा पहले, सबसे पहले यहां पर वैल्यू डिग्री में नहीं थी, हर जगह परसेंटेज का साइन दिखाई दे रहा है। अब इसने क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक थोड़ा क्वेश्चन मैं इजी रखता हूं फिर अच्छे क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है 2400, टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 1050, 2400 में से फीमेल हमारे पास 1050 है तो मेल कितने होंगे? 2400 में से अगर हमारे पास 1050 फीमेल है तो मेल कितने होंगे? 1350। पहला पॉइंट तो ये मेल कितने हैं 1350। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है भाई, समझ में आ गई बात। चलो फिर हमें बायोलॉजी मतलब टोटल जनता बायोलॉजी कितना पढ़ती है 16%, लॉ 15%, कंप्यूटर 18%, कॉमर्स 20%, मैथ्स 17%, पॉलिटिकल साइंस 14%। ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है हमें गर्ल्स का दिया हुआ है, बॉयज का पाई चार्ट यहां पर नहीं है। अगर हमें बॉयज का कोई भी डाटा चाहिएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉमर्स वाले कितने, टोटल लोग कितने 20% है तो 2400 का 20% कितना होगा, 10% 240, तो ये आ जाएगा 480। ये कितना है 480 है, कॉमर्स वाले 480 टोटल स्टूडेंट्स है। गर्ल्स कितनी है 18%, इसका 18% निकाल लो भाई, 18% ऑफ 1050 निकाल लो कितना आएगा, 50 से उड़ाया तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर कितना आएगा हमारे पास 50 से 50 से उड़ाओगे तो 21 आएगा, ठीक है। फिर इसको देखा यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 21 × 9 हमारे पास कितना होता है 189 होता है। तो आउट ऑफ 480 स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले 480 हैं, उसमें से गर्ल्स कितनी है 189 है, तो बाकी क्या होंगे बॉयज होंगे, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जरा मुझे बताओ, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स अगर हमारे पास, जैसे समझे ना, मतलब टोटल बच्चों का डाटा पता है, गर्ल्स का डाटा पता है, बॉयज का डाटा नहीं पता। तो अगर बॉयज का डाटा निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल में से गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा। दैट्स इट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट पूछा है, अगर मेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में से हमें क्या करना पड़ेगा, पता ही है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग लॉ एंड दोज स्टडिंग बायोलॉजी इन द कॉलेज, लॉ और बायोलॉजी वाले बताना है, ठीक है। टोटल लॉ वाली जनता कितनी है 15%, इसका 15% कितना होगा, 10% होता है 240, 15% हो जाएगा 360, तो ये आया 360। उधर 12% है, इसका 12% निकालना भाई कितना आएगा, इसका 10% आएगा 105, 12% आ जाएगा उसमें 21 ऐड कर दो, 105 में अगर 21 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 126, तो लॉ वाले कितने हैं 126, गर्ल्स 126 हैं, लॉ वाले टोटल 360 है, उसमें से 126 क्या है हमारे पास गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज इसमें से माइनस करो 234 होंगे। बॉयज कितने हैं लो वाले बॉयज कितना आ गए हमारे पास 234 आ गए। ऐसे ही हमारे पास बायोलॉजी वाली जनता कितनी है, टोटल में बायोलॉजी 16% है, टोटल में बायोलॉजी 16% है, तो 2400 का 16% निकालो कितना आएगा 384 आएगा भाई। 15% 360 होता है, सॉरी हाँ 15% 360 होता है, 1% 24 होता है, 360 प्लस 24 384 होगा, आया ना, ये बात समझ में आती है तुम्हें। टोटल जनता कितनी है हमारे पास 380, टोटल जनता 2400 है, 2400 का 16% निकालो, 15% निकाला था अभी 360 आया था, 2400 का 1% होगा 24, 360 में 24 ऐड किया 384, सो बायोलॉजी वाले 384 है टोटल। गर्ल्स कितनी 18%, इसका 18% निकाला था हम लोगों ने 189 आया था आई थिंक, अभी निकाला था ना यहाँ पर, ये 189 गर्ल्स है, 184 में से 189 गर्ल्स है, 184 में से 195 क्या होंगे, 195 हमारे पास क्या होंगे 195 बायोलॉजी वाले, 195 हमारे पास क्या होंगे बायोलॉजी वाले, 195 और 234 का यूनिट डिजिट आएगा 9, यूनिट डिजिट आएगा 9, सबका यूनिट डिजिट 9 है भाई, 4 और 5 9 9 9 और 3 12, 2 और 9 आएगा, 2 और 9 यहां पर है 429, ठीक है। समझेगा इस बात को, ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, ये बताओ जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो बच्चे इस वाले डीआई में ना, ये बहुत ही प्यारा डीआई है, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, आप अलग अलग परसेंटेजेस निकालोगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ, आज वाली क्लास की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ठीक है। उसमें इसके 4 क्वेश्चन अभी और हैं, ये सिर्फ एक क्वेश्चन था, इसका पूरा 5 क्वेश्चन का सेट है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन था, इसके 4 क्वेश्चन और हैं, वो चारों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, वो चारों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। पीडीएफ में डाल देता हूं क्योंकि मेरी आज मंडे है और मैंने आपको बताया था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी रात को 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। चलो, तो बाकी के 4 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है, बाकी के 4 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग, कल फिर हम मिलेंगे। इसके 4 क्वेश्चन पर आप लोग ट्राई कर लेना, ताकि हम लोग आगे सिर्फ ऑप्शन पूछेंगे कौन सा ऑप्शन सही था, ठीक है। कल मिलते हैं और डीआई के सेट करते हैं, ऐसा भी कॉम्बो भी पढ़ेंगे जिसमें टेबल भी हो, पाई चार्ट भी हो, टेबल भी हो, लाइन चार्ट भी हो, कॉम्बो वाला भी पढ़ के जाएंगे यार, ठीक है, एग्जाम में। चलिए, कल मिलते हैं फिर हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अनअकैडमी पे आपसे पढ़ना है, कैसे सब्सक्राइब करें भाई? अनअकैडमी पे अगर मुझसे पढ़ना है तो मैंने स्लाइड आई थिंक ऐड करी थी, एक ऑफर चल रहा है अभी अनअकैडमी पे। अगर आप कैट 20 या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम 2023 को टारगेट कर रहे हो तो आप ये 22,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, ले लेना। कैट की तैयारी कर रहे हो तो ले लेना, ठीक है। बाकी सीमेट वीमेट के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीमेट में बहुत कम टाइम बचा है। कैट 2023 को अगर टारगेट कर रहे हो, कैट 2024 को टारगेट कर रहे हो, ज्यादा परेशान होना नहीं चाहते हो, तो सब्सक्रिप्शन लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड, ठीक है, ये डिस्काउंट कोड है। सब्सक्रिप्शन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आज रात तक, अभी नहीं डला हुआ है, ठीक है। और ये कैट 2024 के लिए है, कैट 2024 का सब्सक्रिप्शन इतना ही। ऑफर चल रहा है 16 से 21 तक, तो आज 20 तारीख हो गई ना, एक दिन और है तुम्हारे पास, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। वाईटी में भी होगा, कैट 23 का वाईटी पे होगा, ठीक है, पूरा प्लान है, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, कैट 2023 का YouTube पे भी होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आई हैव परचेज सीमेट मॉक टेस्ट बंडल फ्रॉम योर लिंक, आई कांट रीटेक मॉक टेस्ट वंस आई अटेम्प्टेड। तो रीटेक क्यों करना है, इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, वो तो वो लगा लो ना, रीटेक क्यों कर रहे हो एक मॉक टेस्ट को, ठीक है। चलिए गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।